अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। ये अलजेब्रे का चैप्टर है जिसमें आपको अलजेब्रा सिखाया जा रहा है। इस वक्त 6.1 से हम आपको शुरू करवा रहे हैं और आपको अलजेब्रा सिखा रहे हैं। ये बहुत मजे की चीज है। 6.1 सम नंबर 1। आपसे कहा जा रहा है कि आप 2x प्लस 3y को अलजेब्रे की शक्ल में लिखिए। बहुत आसान है। 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और प्लस का मतलब तो प्लस ही है। आगे है 3y, 3y का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो इसे हम पूरी एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 3y। अब सवाल ये पैदा होता है कि x और y क्या चीजें हैं? 2 और x को तो आप समझते हैं। अलजेब्रे में बाज सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, अलामतें इस्तेमाल होती हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह। लेकिन इसके अलावा बाज इंग्लिश की ऐसी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कि जिनकी जगह कोई अदद, कोई नंबर मुराद होता है, जो मालूम नहीं होता, मालूम करना होता है। इन अलामतों को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब है तब्दील होने वाला। ये हर सवाल में इनकी कीमत तब्दील हो जाती है। और ये क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जेड तक। जहां भी ये इस्तेमाल हो, आमतौर पर एक्स वाई जेड इस्तेमाल होता है या ए बी सी, तो आप फौरन समझ जाइए कि इस सम में एक्स या वाई या जेड से मुराद कोई नंबर है। वो नंबर प्लस 1 या माइनस 1, प्लस 2, माइनस 2, प्लस 3, माइनस 3, या कोई भी अदद, कोई भी नंबर इसकी जगह हो सकता है जो हमें मालूम करना है। क्योंकि हर सवाल में इनकी वैल्यू यानी कीमत बदलती रहती है, इसलिए इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स, तब्दील होने वाले। तो अब आइए फिर सम की तरफ। 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी 2 को x की जो भी कीमत मालूम हो उससे मल्टीप्लाई करें। समझ गए आप? गुड।